जो नए सीरीज की अगली दवा है वो है ब्रोमियम। ब्रोमियम एक ग्लैंडुलर रेमेडी है, ग्लैंड्स पर काम करती है और ग्लैंड्स के लिए ही मैक्सिमम प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एक है और हमारे प्रैक्टिस में ये लगभग जब ये जाड़े का मौसम होता है तो ये सिम्टम काफ़ी देखने को मिलता है, वो है ग्रेट रैटलिंग ऑफ म्यूकस, जैसे हिपार सल्फेट। जब आप उसको आले से चेक करेंगे तो खूब खर खर की आवाज़ आएगी, सांस लेते समय या ऐसे नहीं सुनाई देगा और वो कफ बाहर भी नहीं आएगा, रैटलिंग रहेगी, कंजेशन रहेगा। स्टेथोस्कोप से आप उसको पूरा ट्रेस भी कर सकते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है, जैसा कि हिपरसल्फ में होता है। ग्लैंडुलर अफेक्शन में तीन दवाएं हैं, कोनियम मैकुलेटम, कार्बो एनिमेलिस और ब्रोमियम। तीनों में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैंसरस टेंडेंसी के होते हैं। ब्रोमियम में जो दर्द होता है, पेन होता है, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ग्लैंड्स सूजे हुए रहते हैं, हार्ड रहते हैं, स्टोनी हार्डनेस रहती है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कोनियम और कार्बो एनिमेलिस में कटिंग, लैंसिएटिंग और बर्निंग पेन रहता है, जैसा कि कैंसर में होता है, मोर लाइक कैंसरस। डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया होती है ब्रोमियम की, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब आप डिटेल लेंगे तो मरीज बतलाएगा कि जो तकलीफ थी पहले गले में शुरू हुई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर वो पूरा मुंह डिप्थीरियस मेम्ब्रेन से कवर हो गया। हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इन द जिम्नास्टिक्स, जो जिम्नास्टिक होते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके हार्ट में हाइपरट्रॉफी, इस कंडीशन में ब्रोमियम। और एक और दवा है कॉस्टिकम, हालांकि मैं हाइपरट्रॉफी अगर जिम्नास्टिक है या स्पोर्ट्स पेशेंट है तो कॉस्टिकम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। थैंक यू।